गुड मॉर्निंग एंड जैन स्टूडेंट, वेलकम अगेन. नाउ टुडे वी डिस्कस क्लास 10 चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. इन दिस वीडियो वी डिस्कस आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. नाउ आउटकम्स, डेमोक्रेसी इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वेलिटी अमॉन्ग सिटीजन, इट इंचांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक. डेमोक्रेसी जितनी भी गवर्नमेंट की फॉर्म्स होती है उसमें डेमोक्रेसी सबसे बेटर फॉर्म कहलाई जाती है बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वेलिटी अमॉन्ग सिटीजन. कहीं ना कहीं जो लोगों के में इक्वेलिटी लाना है, कहीं कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, रीजन के बेस पे, इन सब में इक्वेलिटी को प्रमोट करती है, किसी को भी किसी भी वे पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती. एंड इट इंचांसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और कहीं हर इंडिविजुअल, हर सिटीजन की डिग्निटी को बनाए रखती है बिकॉज सबको इक्वालिटी देना, सबको एक समान राइट्स देना, इक्वल राइट्स देना, तो इस तरह से सबकी डिग्निटी को बनाए रखती है. एंड इट इम्प्रूव्स द इक्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. सबके वेलफेयर के लिए डिसीजन लिया जाता है बिकॉज हम डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं. तो इंडिविजुअल को किसी कास्ट के लिए या किसी रिलीजन के लिए इंडिविजुअली डिसीजन नहीं लेते हैं, वो ऑल सिटीजन के लिए, कंट्री के जितने भी सिटीजन होते हैं सबके लिए डिसीजन लेते हैं, सबके वेलफेयर में डिसीजन लेते हैं. कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लिया जाता है जो ह्यूमन्स के लिए, यानी जो सिटीजन है उनके लिए हार्मफुल हो. अगर ऐसा कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं सही करा जाता है. इट अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. अगर इस तरह का कोई डिसीजन ले लिया जाता है तो उसको चेंज करा जा सकता है या उसे अमेंडमेंट करके, लाइक अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और वो कॉन्स्टिट्यूशन आज के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं वर्क कर रहा है, यानी आज के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वो राइट नहीं है, तो उसको अमेंड कर दिया जाता है. एंड इट प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसमें किसी भी तरह के जो भी कंफ्लिक्ट होता है, लाइक रिलीजन बेस या कास्ट में, उसको इजिली सॉल्व करा जा सकता है. यानी किसी भी एक कास्ट को, चाहे वो मेजोरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, उसको स्पेशलिटी नहीं दी जाती. इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको इजिली सॉल्व करा जा सकता है. नाउ इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट. नाउ नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलीब्रेशन इन असेंबलीज और वरी अबाउट द मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन. बिकॉज जो भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस तरह की कोई टेंशन नहीं होती कि असेंबली करनी है या फिर मेजोरिटी में उनको वोट चाहिए, पब्लिक ओपिनियन चाहिए. सो एंड इट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीड्यूर बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन. और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो उसको काफी टाइम लगता है. बिकॉज जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी देखते हैं कि अगर कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई लॉ पास होना हो, कोई बिल पास होना हो, उसके लिए काफी लंबा प्रोसीड्यूर होता है और उस डिसीजन को लेते लेते काफी समय लग जाता है. नाउ बिकॉज इट हैज फॉलो प्रोसीड्यूर इट्स डिसीजन मे बी बहुत मोर एक्सेप्टेबल एंड टू द पीपल एंड मोर इफेक्टिव. कहीं ना कहीं इस डिसीजन में टाइम जरूर लगता है कि समय लगता है इस प्रोसीड्यूर में, कि स्पेशल जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि स्पेशल मेजोरिटी में वोट चाहिए होता है किसी भी बिल को पास होने के लिए, डिस्कशन होता है, डिबेट्स होती हैं, उसके बाद ही कोई बिल पास हो पाता है. लेकिन ये कहीं ना कहीं लोग इसे इजिली एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज हमारे रिप्रेजेंटेटिव द्वारा डिसाइड किए जाते हैं. नाउ नेक्स्ट है अकाउंटेबल. बिकॉज डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल होती है, उत्तरदायी होती है हमारी तरफ की तरफ, बिकॉज हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करा है और वो कहीं ना कहीं जनता के लिए अकाउंटेबल है. अ सिटीजन हु वॉन्ट्स टू नो इफ अ डिसीजन वॉज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीड्यूर कैन फाइंड दिस आउट दिस नोन एज ट्रांसपेरेंसी. सिटीजन को कहीं ना कहीं ये राइट है कि जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किस तरह लिए जाते हैं, करेक्ट उनका क्या प्रोसीड्यूर है, इसके बारे में वो पूरी नॉलेज रख सकते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. यही क्या कहलाता है, इसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. नेक्स्ट है लेस्टिमेट गवर्नमेंट. इन अ डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आर इलेक्टेड थ्रू अ रेगुलर एंड फेयर इलेक्शन.
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक टाइम पीरियड होता है, लाइक फॉर कंट्री से 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होने ही है। इस तरह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी जो पावर है उसका मिसयूज नहीं कर पाती, यानी जो भी रूलिंग पार्टी होगी अपनी पावर का मिसयूज नहीं कर पाएगी। वो ऐसे ही वर्क या पॉलिसीज लाती है जिससे जो सिटीजन उनका वेलफेयर हो सके। बिकॉज अगर वो ऐसे कोई डिसीजन लेगी या कोई ऐसा वर्क करेगी जिसके कारण सिटीजन को हार्मफुल हो, तो नेक्स्ट टाइम में उस गवर्नमेंट को चूज नहीं करा जाएगा, उस पार्टी को चूज नहीं करेंगे। लॉज आर मेड बाय फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीड्यूर आफ्टर मच डिस्कशन विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। और जैसे अभी स्टार्टिंग बताया था मैंने आप लोगों को कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें कोई भी अगर बिल पास होना, बिकॉज हमारे रिप्रेजेंटेटिव उसको पास करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं, तो काफी डिस्कशन के बाद ही कोई लॉ पास होता है। इफ पीपल फील दैट गवर्नमेंट हैज डन समथिंग विच गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल कैन चैलेंज इट इन द जुडिशरी। अगर कोई भी डेमोक्रेसी में अगर कोई भी डिसीजन उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लिया जाता है, लाइक अवर कंट्री, अगर गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट आती है और इस तरह का कोई डिसीजन लेती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो उसको जुडिशरी में चैलेंज कर सकता है, यानी उसके अगेंस्ट रिट डाली जा सकती है। लाइक जैसे हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स में, हमारे 6 फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अगर कोई भी हमारे राइट्स को वायलेट करता है कोई भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसके अगेंस्ट हम रिट डाल सकते हैं। नाउ थैंक यू स्टूडेंट, इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर टॉपिक। थैंक यू, जय हिंद।